नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते इंडिया में। हाल ही में हुई आईपीएल नीलामी 2021 टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे आश्चर्यजनक इवेंट में से एक थी। कई अंडररेटेड खिलाड़ियों ने मोटी कमाई की, जबकि कुछ बड़े नाम नीलामी में अनसोल्ड हो गए। कुछ चीजें थी जो प्रशंसकों को पता थी कि वे होंगी ही, और आईपीएल नीलामी 2021 में भी उन्होंने ऐसे ही किया। अब जब आईपीएल नीलामी 2021 इतिहास की किताबों में है, तो हर क्रिकेट प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीम का विश्लेषण करेगा। टी20 क्रिकेट में उम्र का कारक ज्यादा मायने नहीं रखता। हालांकि एक अनुभवी खिलाड़ी हमेशा युवा की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय होता है। आईपीएल फ्रेंचाइजी युवा और अनुभव में समान रूप से निवेश करते हैं। आज अपनी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आईपीएल नीलामी 2021 में हर एक टीम द्वारा खरीदे गए सबसे युवा और सबसे ज्यादा उम्र वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, भगत वर्मा और मुईन अली। चेन्नई सुपर किंग्स ने नीलामी में कुछ बड़े खिलाड़ियों को साइन किया है। उनमें से एक मुईन अली था, जो 33 साल और 245 दिन का है। इंग्लिश ऑलराउंडर के लिए सीएसके ने मिनी नीलामी में 7 करोड़ की बोली लगाई। आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भगत वर्मा है। हैदराबाद का अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी 22 साल और 150 दिन का है। राजस्थान रॉयल्स, चेतन सकारिया और क्रिस मॉरिस। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी को साइन किया है। उन्होंने क्रिस मॉरिस की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए 16.25 करोड़ रुपए का निवेश किया है। मॉरिस 33 साल और 294 दिन के हैं। अनकैप्ड तेज गेंदबाज चेतन सकारिया का विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन रहा है। 22 साल के चेतन जल्द ही 23 साल के हो जाएंगे। पंजाब किंग्स, उत्कर्ष सिंह और जलस सक्सेना। पंजाब किंग्स ने मिनी नीलामी में अनुभव से ज्यादा प्रतिभा को प्राथमिकता दी है। उन्होंने ऑलराउंडर उत्कर्ष सिंह को साइन किया है, जिनकी उम्र 22 साल 287 दिन है। वहीं जलस सक्सेना एक अनकैप्ड ऑलराउंडर है, जो घरेलू क्रिकेट में केरल का प्रतिनिधित्व करते हैं। सक्सेना एक ऑफ स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर है, जिनकी उम्र 34 साल और 65 दिन है। कोलकाता नाइट राइडर्स, वैभव अरोड़ा और हरभजन सिंह। अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह एकमात्र 40 साल के खिलाड़ी थे, जिन्होंने आईपीएल नीलामी 2021 में कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। आईपीएल 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेलेंगे। वही राइट आर्म पेसर रहे वैभव अरोड़ा इस साल कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा साइन किए गए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। वैभव की उम्र 23 साल और 66 दिन है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सुहर्ष प्रभुदेसाई और डैनियल क्रिश्चियन। अनकैप्ड खिलाड़ी सुहर्ष प्रभुदेसाई इस साल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अपना आईपीएल डेब्यू कर सकते हैं। 23 साल के ऑलराउंडर दाएं हाथ का बल्लेबाज है, जो दाएं हाथ की मध्यम गति की गेंदबाजी कर सकता है। डैनियल क्रिश्चियन, जो एक मध्यम गति की गेंदबाजी ऑलराउंडर भी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की साइनिंग सूची में मौजूद ये सबसे उम्र दराज नाम है। इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की उम्र 37 साल और 290 दिन है। सनराइजर्स हैदराबाद, मुजीबुर रहमान और केदार जाधव। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल नीलामी में केवल 3 खिलाड़ी साइन किए हैं। हालांकि उन्होंने 19 साल के मुजीब उर रहमान के लिए बोली लगाकर इस साल सबसे कम उम्र के खिलाड़ी को साइन कर दिया है। केदार जाधव, जो 36 साल के करीब है, 2021 में SRH के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं। केदार आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे। दिल्ली कैपिटल्स, एम सिद्धार्थ और उमेश यादव। दिल्ली कैपिटल एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो हमेशा युवाओं का समर्थन करती है। उन्होंने इस साल तमिलनाडु के स्पिनर एम सिद्धार्थ को अपनी टीम के साथ जोड़ा है। सिद्धार्थ की उम्र 22 साल और 230 दिन है। उमेश यादव एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है। 23 साल के तेज गेंदबाज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ कई सीजन बिताने के बाद दिल्ली स्थित फ्रेंचाइजी में वापसी करेंगे। मुंबई इंडियंस, मार्को जॉनसन और नाथन कुल्टर। दक्षिण अफ्रीका के हरफन मौला खिलाड़ी मार्को जॉनसन के लिए बोली लगाने के बाद मुंबई इंडियंस ने कई लोगों को हैरान कर दिया था। मार्को केवल 20 साल और 293 दिन के हैं। नाथन कुल्टर नाइल पिछले साल मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे। 23 साल के इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को मुंबई स्थित फ्रेंचाइजी ने 5 करोड़ में खरीदा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमस्ते इंडिया।